गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप कि आप सब अपने घर पे बढ़िया होंगे और एकदम मौज में होंगे। तो भाई फिलहाल शुरुआत हो रही है अपनी ब्लॉग की गाड़ी से। तुम लोग सोच रहे होगे भाई, पहली बात तो तुम्हें एक बात बतानी है कि भाई ब्लॉग नहीं आ रहे थे अपने बहुत दिन से। भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। अब टेंशन मत लो भाई, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे भाई ब्लॉग गिरो क्यों नहीं गिर रहे भाई, बहुत लोगों ने पूछा। भाई कुछ प्रॉब्लम थी नहीं बता सकता मैं, पर अब भाई कंटिन्यू गिरेंगे ब्लॉग, टेंशन मत लो आप लोग। और भाई जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो भाई, शेयर करे करो ब्लॉग को, लाइक कर ले करो। तो भाई फिलहाल जा रहे हैं हम हॉस्पिटल, एक काम है भाई छोटा सा, तो पहले वो काम कर लेते हैं उसके बाद देखो भाई आगे ब्लॉग में बने रहना आप, क्या क्या सीन होता है। ठीक है भाई, तो चलो भाई चलते हैं अभी पहले और वो काम निपटा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। भाई प्यार दिखाना पूरा, अब टेंशन लो भाई ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे एकदम। थोड़ी प्रॉब्लम थी उस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे बहुत दिन से, पर अब डेली आएंगे भाई। भाई हमें एक गाय दिखी है, पिन्नी खा रही है भाई ये कचरा, तो भाई इसे जाके निकालो इसके मुंह में से। भाई रोड पे यार कूड़ा कवाड़ा देख के घेरा करो, ऐसे थैली वैली में मत घेरे करो भाई, इनके पेट में जाएगी भाई। तो देख रहे हो भाई तुम, ये अगर इसे खा जाती भाई कल को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती इसके। तो अपने भाई ने निकाल दी है, ये बचा दी भाई है, इन्फेक्शन हो सकता था भाई गाय के पेट में, प्रॉब्लम हो सकती है बहुत। तो भाई थोड़ा देख के भाई कूड़ा कबाड़ा घेरे करो भाई, ऐसी जगह घेरे करो जो ये जानवर ना खा पाए। ठीक है भाई, बोल तो पाते नहीं है पर भाई तुम लोग समझ रहे हो, क्योंकि भाई इनके मुंह तो है ना कि बता देंगे हमें यू प्रॉब्लम है। और देखे भाई ये ग्रेटर नोएडा में इतना बुरा हाल हो रहा, पता ना भाई पब्लिक यार क्या कर रही है। हम भी कुछ ना कर सकते भाई, जितना हम पे हो सके हम उतना ही तो कर सकते हैं, बाकी तो भाई हम। तो भाई फिलहाल अपना काम हो चुका है, हॉस्पिटल से आ गए हम और अभी चल दिए भाई, थोड़ा सा गाड़ी में भी काम करवाना है। तो फिलहाल भाई एचआर जा रहे हैं और इसकी भाई लाइट भी चेंज करवानी है और म्यूजिक सिस्टम नहीं बज रहा भाई थोड़े, तुम्हें पता भाई बिना जेड ब्लैक की गाड़ी चलती ना। तो देखते हैं भाई, अगर उसके पास फिल्म हुई तो जेड ब्लैक भी करवा देंगे, अगर नहीं हुई तो भाई फिर तो कल ही कर पा पाएंगे भाई, फिर तो कलपुर जाना पड़ेगा। और भाई कोशिश रहेगी जल्दी जेड ब्लैक करवा दें अपनी गाड़ी है भाई, तुम्हें पता अच्छी ना लगती भाई गाड़ी जब, समझ रहे हो तुम। तो चलो भाई चलते हैं और करवाते हैं अपनी गाड़ी में काम भाई, जैसे तो शाम ही हो गई अब। चलो बने रहना भाई लास्ट तक ब्लॉग में, देखते रहो प्यार करते रहिए भाई। ठीक है भाई जी, ओके जी। भाई अपना डेक तो ठीक है, बस इसके स्पीकर चेंज करवाने हैं, नए गिरवा दें भाई, या डेक भी चेंज करवा दें अभी देखते हैं भाई। भाई चेक कर रहे हैं फिलहाल,
वो टच वाला लगवा देंगे भाई। फिलहाल अभी इसके स्पीकर चेक कर रहे भाई एक बार, और बने रहो लास्ट तक ब्लॉग में, तुम देखें भाई क्या क्या प्रॉब्लम होती है। भाई स्पीकर ले आए हैं, स्पीकर के क्या फिर चेक करते हैं एक बार। तो भाई अपना काम कंप्लीट हो चुका, अपने सोनू भाई ने बहुत अच्छे से काम करो। अगर किसी है भी भाई काम करवाना हो एचआर में, भाई मैं दुकान का एड्रेस दे रहा हूँ, एसके कार एसेसरीज, भाई जरूर आके एक बार विजिट करें भाई के पास, बहुत अच्छे काम करते हैं। और भाई मेरा नाम लेके आओगे तो भाई 10% 20% डिस्काउंट और दे देंगे। तो भाई अपना गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया, और काम कंप्लीट करके भाई रीसू भाई को मन कर गया कॉफ़ी पीने को, तो भाई ने आज कॉफ़ी पियाई है हमें। तो चलो भाई अपने कॉफ़ी के साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं यहीं पे। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय भाई, जिस किसी को पीनी हो आ जाओ ग्रेटर नोएडा में अल्फा 2 में।